कॉसस रहो, और बेस्ट क्या दे सकते हैं, और बेस्ट क्या दे सकते हैं। हो सकता है दुनिया में सबसे बेस्ट साउंड वाले बन जाओ तुम, इतना अच्छा दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स के मौके तुमको मिल जाए। और लापरवाही अगर करोगे, सोचोगे तो बाबा है गाएगा तो हमारे लोग ठीक कर देंगे ना, हम 100% देते और हमारे साथ जो लोग बैठते उनका 100% हम लेते, ठीक है ना। हम किसी के द्वारा आपकी सेवा करवा रहे हैं और ना हम किसी के द्वारा भगवान की कथा की सेवा चाहते हैं। हमारे गुरु कहा करते, सावधान, नौकर चाकर और अपने स्टाफ के द्वारा कभी अपने गुरु की सेवा मत करवाना, नहीं तो तुम्हारे दुर्गति की सीमा नहीं होगी। चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य था। अपने गुरु और गोविंद के लिए घड़े लेकर पानी लेने नदी में नंगे पांव स्वयं जाते थे। हजारों उनके पास दरबारी थे, नौकर थे, पर ये दो काम करने के लिए वो स्वयं जाते थे जल लेने के लिए। तो जब ही मन में उन श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति लोगों के द्वारा सेवा करवाने की बुद्धि आ जाएगी तो तुम्हारी भक्ति वहीं पे नष्ट हो जाएगी। भक्ति मीन्स डिवोशन, भक्ति मतलब जुड़ना, योग, जुड़ना किससे, उस सुपर पावर से, हिज ऑल माइटी गॉड, उनसे जुड़ना। इसलिए जीवन में निज हाथों से सेवा करो, कसस रहो 3 घंटे तक। आज कितना आराम दे सकता हूं गुरु जी को, आज तो ऐसा साउंड दूंगा कि प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। 5 वर्ष की वो बेटी रूप सिंह, घर में मां ने सिखाया, दादी ने सिखाया, और आज गुरु जी के आश्रम आई, पूरा गुरुद्वार भरा हुआ है, हजारों सेवक हैं। अच्छा, गुरु भाइयों में थोड़ी खींचतान तो होती है, तो जितने गुरु भाई थे वो सब कह रहे हैं वाह वाह भाई भैया वाह, 20 साल की सेवा का पूरा पक्का आज वसूल लेगा। बेटी ले आया 6 साल की, बताओ 5 साल की, कि खुद को मांगने में शर्म लगे तो बोले बच्ची थी मांग ली, हम क्या करें। निंदा करते थे लोग और गर्दन झुकाए रूप सिंह चले जाते थे। छोटी सी नन्ही सी बालिका 5 साल की, गुरु साहब ने देखा रूप आ गए, बोला हां हमारी बिटिया आई है, इधर आ जा। बिटिया को बुलाया, बोला मांग, तू मांगेगी, बोला हां मांग। तो रूप सिंह की वो 5 वर्ष की बेटी ने गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब पिछले 2-3 साल से तो मैं भी समझदार हो गई हूं, 3 साल से देख रही हूं हमारे घर में 1 वक्त का भोजन बनता है, दूसरे वक्त मांगने से भी नहीं मिलता, और हमारे पिता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। आज हम आपसे मांगने आए हैं, 20 साल तक हमारे पिता आपके पास रहे, न कभी मां का चिंता किया, न कभी अपनी पत्नी का, 5 साल से तो मैं बेटी हूं, मेरा भी चिंतन नहीं किया कि दोनों वक्त मुझे खिला सके, तो एक चीज मांगती हूं। अब पूरा आश्रम, पूरा दरबार भरा हुआ है, लोग बोले देखो देखो हम बोल रहे थे ना, आधा पूरा आश्रम न मांग ले, हमको तो यही शंका है, आज गुरुजी को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये लोग। रूप सिंह की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा गुरु साहब मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं, पिछले 20 साल से मेरी दादी और मेरी मां का जैसे लालन पालन हुआ और पिछले 5 वर्षों से मेरा लालन पालन हुआ, 1 वक्त का भोजन बनता हमारे यहां, कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि महीनों भर तक घर में अनाज ना आवे तब भी हमारे पिता की गुरु भक्ति कम ना हो, आपके चरणों की और दरबार की सेवा करते। सारा दरबार रो पड़ा, गुरु साहब रो पड़े, अरे तू रूप की बेटी है, बोला मैं रूप सिंह की बेटी,
जो लोग कोस रहे थे सबके आंखों में आंसू आ गए। गुरु साहब स्वयं रोने लगे, पकड़ा रूप सिंह को, गले लगाया और कहा, मेरे बाद अब इस गद्दी के हकदार रूप सिंह हैं और वो फिर सिखों के गुरु बने जो 20 साल तक एक एक वक्त का भोजन करते। बताओ माता और पिता जिनके संयमी हो उनके यहां कैसे पुत्र का जन्म होता है, कैसी बेटियां आती हैं, किस तरह की। क्या भारत इस दिशा में सोचने वाला था? हम कभी भौतिक चीजों के पीछे भागकर इसकी टोपी उसके सर करके भाई भाई में मुकदमे, परिवारों में मुकदमे, इसके लिए हम नहीं बने थे? ये तो अयोध्या का राज और पाठ, फुटबॉल और दो सौतेले भाई एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं, राम भरत की तरफ, भरत राम की तरफ। बताओ मेरा अगर अपने ही किसी व्यक्ति से मुकदमा चल रहा हो, मैंने इतने हिस्से के लिए किसी पर मुकदमा कर दिया, तो क्या इस व्यासपीठ पर बैठकर राम और भरत की कथा सुनाने का अधिकार मेरा है? कर्म नहीं चिंता सत्त, पिछिल पुर नरक पथ। इसलिए प्रवचन के पहले 12 वर्ष तक गुरु के चरण में रहकर गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। जब गुरु प्रसन्न होते तो उनसे प्रश्न करते, पूछते, सीखते।